वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिनके ऊपर आज के दिन अच्छी खासी गिरावट हुई है। आज सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी शेयर के ऊपर कोई डिटेल वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जैसा कि आपके सामने ओपन किया है, इस शेयर का नाम है प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 23.20 रुपीज़ और डे की जो इसकी क्लोजिंग हुई है करीब 6.64% डे लो पे। एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ओपन किया, अभी के टाइम में अगर आप शेयर बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है इसे बाय करने का। और जो इसका ट्रेडिंग पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको देख के कह सकता हूँ आपने इस शेयर का अवॉइड करना है। अवॉइड इन द सेंस क्योंकि इस शेयर का जो पैटर्न है आप देखो, इसमें एक बूम आता है फिर डाउनफॉल आता है, फिर एक बूम आता है फिर डाउनफॉल आता है, ऐसा इसमें कई बार हुआ है। तो ये शेयर ट्रेड करने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। और अभी के लिए जो हमारे पास एसएल आ रहा है वो आ रहा है करीब 20 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग एसएल आ रहा है। अगर आपके पास शेयर है तो 20 रुपीज़ के स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ आप इस शेयर को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप न्यू बायर हो और इसे खरीदना चाहते हो तो उसके लिए देखो सिंपल है। जब तक ये शेयर यहाँ पर 26 रुपीज़ के आसपास एक प्राइस आ रहा है, 26 रुपीज़ के ऊपर 3 या 4 दिन सस्टेन नहीं होता, यानी कि 3 और 4 डे सस्टेन नहीं होता, तब तक आपने इसे बाय नहीं करना। जो अभी का एसएल है वो 20 रुपीज़ का एसएल है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है नीला स्पेसिस लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 3.15 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 7.35% डे लो पे। तो एक बार हम इसका लेवल से पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर फाइनेंस के ऊपर आया हूँ तो फाइनेंस में अगर आप देखोगे इस शेयर का जो रिवेन्यू है बहुत छोटी कंपनी है। इसका रिवेन्यू है 2018 में 28 करोड़, जो 2019 में 17 करोड़ और 2020 में 19 करोड़ एंड 2021 में 48 करोड़। ये इसका टोटल रिवेन्यू 2020 में इसका काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ गया था। नेट इनकम की बात करते हैं, आप देखोगे कि लास्ट 4 ईयर के अंदर आप देखोगे 2018, 2019 और 2020 में कंपनी प्रॉफिट में थी, पर 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसको एक अच्छा खासा लॉस हुआ। कंपेयर करोगे इसके लास्ट के जो ईयर का जो प्रॉफिट था उससे, तो फाइनेंशियल 21 हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट है, पर उससे बेटर कंपनी एक ठीक ठाक थी क्योंकि रिवेन्यू कोई ज़्यादा नहीं था तो प्रॉफिट भी कंपनी को हो रहा था। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जैसा कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी बेटर की प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग करी 61.90% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर है। DI की होल्डिंग है बहुत माइनर होल्डिंग है, पर FI की अच्छी खासी होल्डिंग है। बाकी जितनी भी होल्डिंग हमारी रिटेल और अदर पार्टी के पास है, तो ऐसे कंपेयर में अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी की बात है, देखो प्रमोटर की के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और कंपनी इसके अकॉर्डिंग एक स्टेबल कंपनी है। पर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ अभी के लिए देखो मुश्किल है क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। देखो एक तो ये छोटी कंपनी है, तो अभी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो इस शेयर में तो एक बात हमें अपने दिमाग रखना है, कभी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप अभी बाय करना चाहते हो इस शेयर को तो देखो ये इसका 3 रुपीज़ है, इसी SL के साथ आपने इसे बाय करना है और पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी कर भी सकता है ये। और अगर यहाँ से रिकवरी करें तो अच्छी खासी रिकवरी होगी, पर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना इस शेयर के अंदर, ये आपने बात ध्यान रखनी है। और जब जो भी इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना नो इशू, पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अगर आप 500 रुपीज़ से ऊपर इन्वेस्ट मत करना इस शेयर के अंदर, बाकी आपका अपना डिसीजन है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना।